नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा, एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू के लिए आप लोगों के लिए पांचवी क्लास, जिसमें आप लोगों की काफी अच्छी तैयारी हो रही है। आप लोग काफी इस क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो आपको आज की हमारे जो 1500 टॉप मोस्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यू के, जो इसमें सामान्य विज्ञान के, आपको जीव विज्ञान के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप जल्दी से पहले वीडियो को शेयर करें और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके अपना जवाब दें। ओके, जल्दी से चलिए। तो आज के जो हमारे जो लास्ट टाइम जो एनटीपीसी का जो आप लोगों के मतलब जो टॉपर्स थे, उन टॉपर्स के नाम लेने का समय हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हैं, पहले रैंक प्राप्त किए अतुल कुमार जी। अतुल कुमार जी को बहुत बहुत बधाइयां, इन्होंने हमारे रेलवे एनटीपीसी का जो टेस्ट पेपर सॉल्व किया है वो उसमें काफी अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले हैं करण सिंह जी, इन्हें बहुत बहुत बधाइयां। थर्ड रैंक है हमारे पास राणा नीरज जी, जिन्होंने क्या किया है, काफी अच्छा अपना स्कोर लिया है। फोर्थ पे हैं संतोषी खवासे जी। संतोषी खवासे जी ने पिछले 3 साल से इन टॉप मोस्ट 5 स्टूडेंट्स में अपना नाम करते जा रही हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगले क्वेश्चन है अगले हमारे पास में हमारे पांचवे प्रतियोगी हैं, जिनका नाम है शिवानी। आप सभी लोगों को, आप पांचों लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, आप सभी लोगों ने काफी अच्छा उमदा प्रदर्शन करते हुए टेस्ट में अव्वल नंबर लाए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके भी नाम इसी तरीके से अगली क्लास में लिए जाए, तो आप हमारे ऐप पर जाकर एग्जाम गुरु जी की ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद जैसे ही आप एग्जाम गुरुजी लिखोगे तो उसके आप लोगों को ऐप दिखाई देगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां पर एनटीपीसी इसी तरीके से आप लोगों को वहां पे सारे शेड्यूल्स मिल जाएंगे, आप वहां पर टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, एक मिनट में थोड़ा सा हम लोग यहां पर रुकावट के लिए खेद है। चलिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल समस्या थी तो उस टेक्निकल समस्या को हम समाधान करके आप लोगों के समक्ष जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप लोगों को अब क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अब अगली क्लास मतलब अगले नाम को हम लेते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो एमआरआई मशीन होती है बच्चों, तो एमआरआई मतलब सीटी स्क्रीन करने के लिए जो हम हमारे शरीर का एमआरआई होता है उसके लिए हम किन तरंगों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है पराश्रव्य किरणें और ऑप्शन डी है चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। ललित मिश्रा जी इसका बी बता रहे हैं, ईश्वर जी ने इसका जवाब डी बताया है। ठीक है, शिवांगी पांडे जी बी बता रही हैं, एक्स किरणें बता रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब है डी ऑप्शन।
ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे इसका जवाब बी की तरफ भी जा रहा था, तो बच्चों बी की तरफ आपको नहीं सोचना है। बी जो है, एक्स किरणों का उपयोग हम टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय तरंगों का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ आंचल पार्थी जी, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो आप लोगों की गलती से ही तो हम सीखेंगे, आप लोग सीखोगे। आप जितनी ज्यादा गलती करोगे, आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर कर रहे हो कि आपने कितना अच्छे से आपकी स्टडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब ऐसी किरणें जिनका हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं, ए है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा है प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, यहां पर क्या है। ठीक है, जैसे जैसे विनीत पटेल जी ने ए ऑप्शन दिया है, रोशन कुमार जी डी दे रहे हैं, चंचल बिंदु जी ने सी दिया है, नेहा सोनी जी ने, अंजलि लोधी जी ने बी दिया है, गायत्री डोडवे ने ए दिया है। तो बच्चों इसका सही आंसर है जो वो है आंसर डी, अनुदैर्ध्य तरंगों का। याद रखना पोलराइजेशन, आप लोगों को मैंने बताया था अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं। ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे, यानी इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, और फिर दूसरा होता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ इस तरीके से एक स्प्रिंग में मोशन के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही की जा सकती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। तो ये आप लोगों को याद रखने वाला था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो फिर से आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे एग्जाम गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करें, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो निम्न माध्यमों में से कहां से ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन ए है जल में से, ऑप्शन बी है स्टील में से, वायु में से, या निर्वात में से। निर्वात यानी वैक्यूम में से। ठीक है, साउंड कैन नॉट पास फ्रॉम वाटर, फ्रॉम स्टील, वहां पर थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है, फ्रॉम स्टील और फ्रॉम एयर और फ्रॉम वैक्यूम। तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जैसे अनिल मीना जी ने इसका जवाब डी दिया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सभी लोग, तो जिस भी बच्चों का जवाब डी है वो बिल्कुल सही है कि निर्वात में से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को, जब मेरा जो लाइव क्लासेस चल रही थी संध्या के समय, तो उस समय मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि दो व्यक्ति अगर चांद पे खड़े हो जाएं और आपस में एक दूसरे को से बातें करें तो उन्हें सिर्फ मुंह हिलते दिखाई देंगे, एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आवाज यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन निर्वात में तो कोई माध्यम, कोई मीडियम ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अब स्टेथोस्कोप पता है बच्चों, जो डॉक्टर यूज करते हैं ना, डॉक्टर जो मरीजों की धड़कनों को या पेट के अंदर की गतिविधियों को सुनने के लिए जो यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो धारा का ध्वनि में रूपांतरण होता है, उसमें ध्वनि का धारा में रूपांतरण होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, या प्रकाश का परावर्तन होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के दीजिएगा। जैसे सोनू सिंह जी ने इसका जवाब सी दिया है, ठीक है, मोहित राव जी ने इसका सी दिया है, विनय पटेल जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, सपना मालवीय जी इसका डी दे रही हैं। ठीक है, शालिनी द्विवेदी जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, पंकज जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, नीतीश चौरसिया जी ने इसका सी जवाब दिया है। तो बच्चों इसका सही जवाब भी जो है, जिन भी बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं उन्होंने इसका सही जवाब दिया है, सी इसका सही जवाब है। अब देखिए ध्वनि तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब मैं देखिए इसे थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक है, कि जब ध्वनि तरंगों को अगर अगर बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक नली जैसा आकृति रहती है, और उस नली जैसे आकृति के अंदर यहां पर क्या होता है, इस तरीके से जिसको हम सीने पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से जब ध्वनि रफ्तार, ध्वनि अंदर जाती है, तो अंदर जाने के बाद बार बार इसका क्या होता है, परावर्तन होते रहता है, और परावर्तन होने के बाद ये फाइनली कहां तक पहुंचती है, कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था कि ध्वनि का परावर्तन होता है, ये बात स्पेशली याद रखना। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक
ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हमारे से ट्रेन अगर दूर है तो दूर जब वो हमारे पास आते रहती है तो आपने सुना होगा कि आपके कान में उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी आवृत्ति, उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। हालांकि साउंड की क्वालिटी को अगर हम बात करते हैं कि अगर ट्रेन, आप ये भी देखोगे कि बस ये समझ पाओगे कि ट्रेन दूर है और पास में आएगी तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपको ज्यादा तीव्रता की आवाज सुनाई देगी। तो ये किस वजह से होता है? परावर्तन की वजह से, डॉपलर प्रभाव की वजह से, अपवर्तन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो अनिल मीना जी ने इसका ऑप्शन बी बताया, डॉपलर प्रभाव बोल रहे हैं। अंकित मीना जी ने फिर से इसका जवाब बी बताया। कपिल करोले जी इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं। अनिल मीना जी ने इसका ऑप्शन बी बताया। आंचल पार्थी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। मेडी जी ने बी आंसर दिया। अनिल मीना जी ने बी दिया। प्रबल भदौरिया जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है। तो बच्चों इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी, डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ सकते हैं हम यहां पर। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब एक श्रोता और एक जहां से ध्वनि निकल रही है, मतलब सोर्स स्रोत, इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तब डॉपलर प्रभाव आता है और उस समय पर ध्वनि की आवृत्ति बदल जाती है। ठीक है, तो यह डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे, आप इस टेस्ट सीरीज का, आप लोग इस एमसीक्यू के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड करना होगा और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, मतलब दूरदर्शन में जो ध्वनि संकेत होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो उनका आयाम मॉड्यूलन किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलन किया जाता है, अमॉड्यूलन किया जाता है और वेग मॉड्यूलेट होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जैसे सुंदर भदौरिया जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है कि वेग मॉड्यूलन बोल रहे हैं। अंकित मीना जी ने इसका बी दिया है, आवृत्ति मॉड्यूलन। अनिल जी ने इसका जवाब बी दिया है। पटेल जी ने इसका ऑप्शन ए दिया है। अंकित चौबे जी इसका ऑप्शन बी दे रहे हैं। शिवांगी पांडे जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है। मीनल पटेल जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है। तो बच्चों इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत लास्ट क्लास आप लोगों ने ध्यान से देखी हो तो लास्ट क्लास में भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आवृत्ति मॉड्यूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोर को किसमें मापा जाता है? ठीक है, वॉट में, रैम में, सेंट्रीगेट में या डेसिबल में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो शिवांगी कुमार जी ने, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे पंकज जी बोल रहे हैं यही क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो रोशन जी ने डी दिया है, बाकी डेसिबल बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों ने इसका सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी, डेसिबल। ठीक है, तो याद रखना शोर को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब दूरस्थ नियंत्रण में ध्यान से देखना कि टेलीविजन आप लोगों से आपके घर में दूर रहता है, लेकिन आप आराम से सोफे पे बैठे बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो उस कंट्रोलेशन का पूछा गया है कि किस तरीके से दूर से कंट्रोल आप इनमें से किस विधियों द्वारा करोगे। तो उसमें हम जो रिमोट के लाइट से जो किरणें निकलती है, दृश्य प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश होता है, एक्स किरणें होती हैं या गामा किरणें होती हैं। तो आंचल पार्थी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। मेडी जी ने इसका आंसर डी बताया, गामा किरणें बोल रही हैं मेडी जी। मनीष मनागरे जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है। पटेल जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। भगवान सिंह राजपूत जी इसका ऑप्शन ए बता रहे हैं। शिव कुमार जी ने इसका ऑप्शन डी बताया। बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लाइट, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया। यहां पर दूरस्थ नियंत्रण की बात कर रहे हैं, मतलब टीवी को हम दूर से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह सीधा सीधा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिमोट का जो टीवी कंट्रोल, मतलब जो रिमोट होता है, उनसे कौन सी किरणें निकलती है। तो याद रखिएगा हमेशा कौन सी किरणें, वो अवरक्त किरणों को उत्तेजित करता है, बनाता है, और अवरक्त किरणें निकलती हैं और जो सेट टॉप बॉक्स या फिर टीवी तक पहुंचती है और उसके सिग्नल्स के फलस्वरूप क्या होता है, उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व का मतलब होता है, इसको पिच बोलेंगे। ठीक है, तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, पिच पर किस पर निर्भर करता है, यानी ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है,
पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा जी मेरा नाम भी लो। हाँ बिल्कुल आपका नाम भी लेंगे पुष्पेंद्र जी। चलिए तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों के सही जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, कि यहां पर ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो काफी बच्चे इसका ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं। रोहित लोधी जी ने इसका ए बताया है, अनिल मीना जी ने ए, प्रमोद जी इसका ए बता रहे हैं, रोहित लोधी जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है, ललित जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है। तो हाँ बच्चों बिल्कुल सही जवाब है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। और ये बात मैं आप लोगों को हर बार क्लास में इस तरीके का साउंड से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को बार बार ये बताते जा रहा हूं कि अगर किसी किसी ध्वनि का तारत्व, तारत्व का मतलब होता है पिच, अगर किसी तारत्व का पिच बढ़ता है तो आवाज जो होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है, और तारत्व अगर कम होता है तो आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तर से ध्वनि की हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं, मतलब किस स्तर से अधिक होने पर ध्वनि किरणें जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है। ऑप्शन ए है 30 डेसीबल, 100 डेसीबल, 80 डेसीबल या 120 डेसीबल। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ तो जल्दी से मैं आपको इसका जवाब जवाब सुनना चाहता हूं। आप जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब दीजिए। जैसे विनय जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, अचल पार्थी जी 80 डेसिबल बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब भी है कि 80 डेसिबल। यानी अगर हमारे आसपास की ध्वनि 80 डेसिबल से ऊंची हो जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारे वो कानों के ऊपर काफी इफेक्ट करती है, ये दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और हमारे मस्तिष्क के संबंधी रोग हो इसमें होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोनार, रडार, लेजर या मैसर। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हाँ रंजनी लोधी जी ने इसका जवाब सी दिया है। ठीक है, कपिल जी इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं, सत्येंद्र यादव जी ने इसका ऑप्शन ए, आचल प्रधान जी सोनर बता रही हैं। ठीक है, स्वप्निल जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, प्रमोद जी ने इसका ऑप्शन ए बताया, तो बच्चों इसका सही जवाब भी है ए। तो समुद्रों के अंदर रखी हुई वस्तु या समुद्रों की गहराई नापने के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कुछ फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगे होती है निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है और ठोस और गैस दोनों प्रकार के माध्यमों में चल सकती है। मतलब ध्वनि तरंगों के बारे में ये पूछा गया है कि किस माध्यम में वो चल सकती है। तो क्या वो निर्वात में चल सकती है, सिर्फ ठोसों में ही चलती है, या सिर्फ गैसों में चलती है, या ठोस और गैस दोनों में चलती है। तो मिथिलेश धाकड़ जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है। तो मिथिलेश धाकड़ जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है। ठीक है, नीतू यादव जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है। ठीक है, विवेक जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है, सोनू सिंह जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है, सत्येंद्र जी ने इसका ऑप्शन डी बताया, स्वप्निल बोकरे जी ने इसका ऑप्शन डी बताया। तो बच्चों इसका सही जवाब भी है कि डी। तो ध्वनि तरंगे ठोसों में भी चलती है और गैसों में भी चलती है। अगर गैसों में ना चलती होती तो शायद आज हम आपस में इस तरीके से बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप अपने मोबाइल से जो आप आवाज सुन पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, वो आवाज भी आप नहीं सुन पाते। ठीक है, और साथ ही साथ ये सॉलिड्स में भी चलती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कि पराध्वनि जेट की उड़ानों के कारण क्या होता है। मतलब हमने ऐसे जेट बना चुके हैं जो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चलते हैं। तो जो जेट्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जो ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से चल सकते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं। तो हवा में प्रदूषण क्रिएट करते हैं, आंखों के रोग क्रिएट करते हैं, ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिपाल राजपूत जी ने इसका ऑप्शन सी बताया कि ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाते हैं, सोनू सिंह जी इसका ऑप्शन डी बता रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ईश्वर ईश्वर जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है, ए मतलब हवा में प्रदूषण। पवन कुमार जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है, यानी हवा में प्रदूषण। तो बच्चों इसका थोड़ा सा आप लोग मतलब बड़ा मिसकन्फ्यूजन वाला आप लोगों के सामने हो रहा है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि ये ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाते हैं।
ठीक है। तो जो पराश्रव्य ध्वनि वाले होते हैं वो इतनी स्पीड से जब 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 क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, तो जो ओजोन होती है उस ओजोन में इतनी ज्यादा तेजी से उसको हिट करते हैं कि ओजोन को वापस वो ऑक्सीजन में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ओजोन परत में क्या होता है, ओजोन परत का डिप्लेशन भी इनकी वजह से होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाते हैं ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी किसको अवशोषित कर लेती है, केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, या निम्न में से सभी। तो इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से आप इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या है। तो करुण करुण कुशवाहा जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, ठीक है। ईश्वर जी ने इसका ऑप्शन डी दिया। ईश्वर जी आप काफी बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मोहित सेन जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, प्रमोद जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, काजल साके जी भी बार बार सही आंसर लगा रही हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो इस बार भी उन्होंने जो ऑप्शन डी दिया वो सही है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, यानी काले रंग की वस्तुएं जो होती है सभी प्रकार के विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ये खास बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस भी बच्चे जो डी जवाब, आप सभी लोग अपने आप को तोलिए, आप अपने आप को नापते जाइए कि आप कितने क्वेश्चंस को आप सही कर रहे हैं। आप जितना अच्छा क्वेश्चंस को सही करते जाओगे आप लोगों के अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आते जाएगा। एमसीक्यू की क्लास का मेन मोटो यही होता है कि जो हमने हमारी तैयारी की है उस तैयारियों की हमको जांच करना है, इसलिए आप लोगों के लिए इस तरीके की क्लासेस लाई जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अंजलि लोधी जी, थोड़ा सा आप के आज दो चार क्वेश्चंस कुछ गलत हुए हैं, ठीक है। अमित सोनी जी सर, हाँ बिल्कुल, नाम ले रहे हैं हम आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, प्रतिध्वनि हमें किस वजह से सुनाई देती है। प्रतिध्वनि का मतलब इको, आपने देखा होगा ना कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर जोर से जाके चिल्लाते हैं, ठीक है, अपना ही नाम चिल्लाया है तो अपना नाम हमें रिपीट आता है। तो यही क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब, आखिर क्या होना चाहिए। तो आयतन कम होता है तब, क्षेत्रफल अधिक होता है तब, क्षेत्रफल कम होता है तब, या आयतन अधिक हो तब। तो आचल पार्थी जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है, यानी वो क्षेत्रफल अधिक की तरफ जा रही है। प्राची गौर जी इसका ऑप्शन सी दे रही हैं, ठीक है। अंजलि लोधी जी ने इसका ऑप्शन बी दिया, अमित सोनी जी इसका ऑप्शन सी दे रहे हैं, करण सिंह कुशवाहा जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, बबीता जी ने इसका ऑप्शन ए दिया है, शालिनी द्विवेदी जी इसका ऑप्शन डी दे रहे हैं, मोहित कुमार जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है, ठीक है। जो चित्रांश जी ने इसका ऑप्शन बी दिया है, तो बच्चों इसका सही जवाब भी है बी। यानी अगर आपको आपकी प्रतिध्वनि वापस सुनना है तो आपके सामने वाला क्षेत्रफल क्या, क्षेत्र या एरिया कैसा होना चाहिए, जितना उसका ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही अच्छे से आप लोगों का आपकी प्रतिध्वनि दोबारा वापस से सुनाई देगी, ठीक है। तो ये बड़ा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से हमको क्या हुआ, हमारी आवाज वापस रिपीट सुनाई दे, तो इसके लिए कम से कम मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम हमको कितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेमदास जी ने 17 लिखा है, अंजलि लोधी जी इसका सी बता रही हैं, 24 मीटर बता रही हैं, गणेश जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, रवि कुमार जी इसका ऑप्शन बी बता रही हैं, अमित सिंह जी ने इसका ऑप्शन 10 बताया। तो बच्चों इसका सही जवाब है 17 मीटर। ये स्पेशली याद रखना कि अगर आप अपनी अपनी प्रतिध्वनि दोबारा सुनना चाहते हो तो आपको क्या होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से 17 मीटर की दूरी पर खड़ा होना होगा, तब आप काफी अच्छे से अपनी प्रतिध्वनि खुद सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो यह याद रखना किसके पास एनर्जी सबसे कम होती है, गामा किरणों की सबसे एनर्जी कम होती है, या यूवी किरणों की होती है यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स की, दृश्य प्रकाश की, विजिबल लाइट की, या फिर सूक्ष्म तरंगों की, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। मोनू जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, यानी दृश्य प्रकाश बता रहे हैं। मोहित कुमार जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, सुमरन सिहोरे जी ने इसका ऑप्शन 17, खैर वो पहले क्वेश्चन का बता रहे हैं, शायद 17, ठीक है। तो अमित सोनी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया, अनिल मीना जी इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं, दिलीप जीन जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, मिलन पटेल जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है।
सोनी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया, बबीता चोपड़ा जी ने इसका ऑप्शन बी बताया। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को देखिए, आप लोग इसके, मैं फिर से आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि अब जो मेरे साइंस के आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं, आप उन्हें एक बार देखिए। जब आप उन्हें देखकर इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको चुटकियों में सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद यूवी किरणों की होती है, फिर उसके बाद दृश्य तरंगों की होती है, और सबसे कम होती है सूक्ष्म तरंगों की। नाम से ही समझ में आ रहा है, तो सूक्ष्म तरंगों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ठीक है, तो वेवलेंथ कम होती है, तो आप लोग बस इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सूक्ष्म तरंगों की। ठीक है, हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि पराश्रव्य ध्वनि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इसका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो और क्या है इसके कथन? तो एक और दो सही है, तीन और चार सही है, एक दो तथा तीन सही है, या डी सभी सही है। ठीक है, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो शाकिल जी ने पीडीएफ क्या पूछना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं शाकिल जी आपकी बात। प्रमोद जी ने इसका ऑप्शन सी बताया, अनिल जी, राहुल जी ने इसका ऑप्शन सी बताया, अमित सोनी जी इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं। ठीक है, घनश्याम सिंह जी ने इसका ऑप्शन डी बताया, प्राची गौर जी इसका ऑप्शन डी बता रही है। तो बिच्चो इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये कीड़ों को नष्ट करने में भी इसका उपयोग होता है, कीड़ों को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि आजकल हमारे घरों में कैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं जिसको आप लगाओ और जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो वो पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं, पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं, तो आपके घर के चींटी, मच्छर, मक्खी, छिपकली, मकड़ी, ये सब आपके घर में अगर उस ध्वनि को सुनते रहेंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए वो आपके घर से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर धूल साफ करने के लिए, तो बिल्कुल जो कीमती कपड़े होते हैं उनसे धूल साफ करने के लिए भी हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार, तो गठिया रोग के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती है। हाँ बिल्कुल, क्या होता है कि हमारे दरवाजे के सामने वहां से क्या होती है, कौन सी पराश्रव्य ध्वनि निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देती न सुनाई देती है। जैसे हम दरवाजे के समीप जाते हैं तो वो पराश्रव्य ध्वनि हमसे सुन के वापस रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वहां के उनके सेंसर्स को आदेश देती है कि कोई व्यक्ति आ गया है, अब दरवाजा खोलिए। तो स्वचालित दरवाजों का भी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, करण सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, आप कोशिश करिए, मैं या तो फिर यहाँ पर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दी जाएगी आपके लिए। ठीक है, और आप जो भी हो कमेंट्स करके नीचे आप लोग बताइएगा, मैं नीचे कमेंट्स में आपका जवाब दूंगा कि पीडीएफ में किस तरीके से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति विशिष्ट रूप से, पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो विशिष्ट रूप से कितने के बीच में होती है या कितने से ऊपर होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से ऊपर, या 0.02 किलो हर्ट्ज के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। ये तो आपको सीधा सीधा याद ही होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, बी क्यों दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, 20,000 किलो हर्ट्ज लिखा है, ये बी तो नहीं होगा यार। आप ये अब पता है, आज मुझे आप ये ऐसा क्वेश्चन देके थोड़ा सा क्रोधित करवा रहे हैं कि बी ऑप्शन जो दे रहे हैं, जैसे ईश्वर जी ने ऑप्शन ए दिया, ईश्वर जी आप ही ने काफी अच्छे तरीके से तैयारी करी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन बस वो उनके माइंड में भरा है 20,000। जैसे ही 20,000 देखते हैं तो 20,000 के यानी बी के ऊपर टिक लगा देंगे, लेकिन आप ध्यान से तो देखिए ऑप्शन क्या है। हमें ये पता है कि 20 हर्ट्ज से, तो 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं, और 20,000 से ऊपर जो भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो 20,000 के ऊपर की जो होती है उन्हें हम पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। अब पराश्रव्य ध्वनि को तो यहां पर देखो 20,000 के पीछे एक वर्ड लिखा है किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो किलो हर्ट्ज लिखा है बच्चों, तो आपको यहां पर ध्यान से देखना, अगर इसको मैं किलो में कन्वर्ट कर दूं तो 30 कम कर देंगे, तो 20 किलो हर्ट्ज यानी इसका सही आंसर आएगा, 20 किलो हर्ट्ज यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना माइंड लगाइए, मस्तिष्क लगाइए, आप लोग सीधे ही आंसर को देखकर और बस लगे पड़ते हैं कि चलो नहीं हमें तो टिक करना है, पता नहीं आप कौन सी रेस खेल रहे हो।
आप अपना समय जितना एक क्वेश्चन को देना चाहिए आप उस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल सद्भावना रखिए, आप उसे बिल्कुल प्रॉपर टाइम दीजिए। आप जल्दी जल्दी में वहां गलत क्वेश्चन करके आए ये बिल्कुल गलत बात होगी। सबसे ज्यादा दुख उस टाइम पे आपसे ज्यादा शायद मुझे दुख होगा कि आपने आती हुई चीजों को अगर आप वहां पर गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो फिर से आप लोग पीडीएफ, जैसे अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि सर पीडीएफ में मतलब हम टेलीग्राम चैनल को ऐड कर रहे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो मैं अभी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से और आगे देख के मैं खुद इसको एक बार ट्राई करके और आप लोगों की जो भी क्यूरीज होगी उस क्यूरी को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, मतलब कितने से कितने के बीच की लाइट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं, यानी देख सकते हैं। तो 1300 एंगस्ट्रॉन से 3000 एंगस्ट्रॉन, या 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, 7800 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, और 8500 एंगस्ट्रॉन से 9800 एंगस्ट्रॉन। तो देखिए ये तो सीधा सीधा सा आप लोगों को ये चीजें देखो, ये रेंज बिल्कुल आप लोगों को याद रखना पड़ेगी, और ये दृश्य की रेंज तो आप लोगों को स्पेशली याद रखना पड़ेगी। आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि लाल रंग की वेवलेंथ कितनी होती है या बैंगनी रंग की वेवलेंथ कितनी होती है, ये बहुत ज्यादा आप लोगों से डीपली नहीं जाएगा, आपसे सिर्फ एक रेंज पूछ रहा है वो, और ये रेंज का क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए था। जैसे सत्यजीत जी इसका बी दे रहे हैं, महिपाल जी ने इसका ऑप्शन बी बोला है, मेडी जी ने भी इसका ऑप्शन बी बोला है, कृष्णा जी बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऋतिक जी ने इसका ऑप्शन, ऋतिक यादव जी ने इसका ऑप्शन बी दिया, सॉरी हार्दिक यादव जी ने इसका ऑप्शन बी दिया। तो बच्चों इसका सही जवाब भी है बी। अब ये सीधे सीधे का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत भयंकर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। अब द्रव क्रिस्टल का मतलब समझ में आता है, आप लोगों ने देखा होगा एलईडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बस उन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि द्रव क्रिस्टल, क्रिस्टल का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल का हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल की अगर बात कर रहे हैं तो किस किस चीजों में उपयोग किया जाता है? कलाई मतलब हमारी घड़ियों में उसका उपयोग होता है, प्रदर्शन युक्तियों में होता है। प्रदर्शन युक्तियों का मतलब आपने देखा होगा जो मतलब कुछ भी हमारे घर के सामने सजावट के लिए जो प्रदर्शन युक्ति होती है, या विज्ञापन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉकेट कैलकुलेटर में इसका उपयोग होता है, या उपयुक्त में से सभी। तो मनीष मनागरे जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है, प्रमोद जी इसका ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है, नंदिनी सोनी जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है, हार्दिक यादव जी इसका ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है, राहुल जी ने इसका ऑप्शन डी बताया। तो बच्चों इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। जो कलाई की घड़ी है आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि हम वो टच स्क्रीन वाली घड़ी भी आ रही है। ठीक है, प्रदर्शन युक्तियों में भी इसका उपयोग होता है कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन के लिए भी, और पॉकेट कैलकुलेटर मतलब जो छोटे छोटे कैलकुलेटर होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्ट्ज का मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि हर्ट्ज का मात्रक क्या है। ठीक है, या हर्ट्ज किसका मात्रक है, क्वेश्चन वैसे सही होना था कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो वेग का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, तरंग लंबाई का मात्रक है, या गति का मात्रक है। तो मनोज कुमार जी ने इसका जवाब बी बताया है, सचिन वर्मा जी इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं, रवि तेजा जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। ठीक है, तो रामनाथ कुमार जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है। ठीक है, तो शालिनी गौर जी इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं, कमलेश जी ने इसका ऑप्शन डी बताया है। ठीक है, पंकज रघुवंशी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों की, काफी अच्छे से जब आप लोग सभी एक तरीके के मुझे क्वेश्चंस आंसर्स मिलते जाते हैं तो मुझे काफी खुशी होती है कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं आप उसका फल उठा पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर कितना है, मतलब जो हमारे घर का जो हम कॉलोनी बोल सकते हैं। तो एक अगर किसी के, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रात में ज्यादा अगर लाउड स्पीकर बजा रहा है तो फिर पुलिस को हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो बस वही चीज है कि कितने स्तर की ध्वनि आप रहवासी क्षेत्र में आप अपने लिए यूज कर सकते हो। तो वो है 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, या 80 डेसिबल। तो विनीत पटेल जी ने 45 बताया है। ठीक है,
कपिल कपिल कोहली कोहरल जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, सहनाज जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, चंद्रपाल जी सिंह जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। बच्चों फिर से, जैसे सोनू सिंह जी ने ए ऑप्शन बताया है, ठीक है, काफी बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। बच्चों इसका सही जवाब भी है ए। तो याद रखिएगा कि आप लोग अपने घर के चारों तरफ, देखिए रहवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी जहां पर ज्यादा क्राउड होता है, तो वहां पर आप कितने ध्वनि वाले वाले उपकरणों का यूज कर सकते हैं, तो वो 45 डेसिबल से नीचे वाले के ध्वनि तरंगों के, मतलब लाउड स्पीकर का आप यूज कर सकते हो, तो उससे हम ये मानते हैं कि किसी को कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता, वायु दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, या आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे निशा निशा मीन जी ने ह्यूमिडिटी बताया है, ठीक है, नाज खान जी ने इसका ऑप्शन डी बताया, अनिल जी ने इसका ऑप्शन डी बताया, मतलब काफी कुछ बच्चे आर्द्रता के। सर इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। मैं क्या बता रहा हूं कि ध्वनि के वेग पर, यानी जब ध्वनि की जो चाल होती है तो किन माध्यमों के ऊपर उसको निर्भर करती है, मतलब किन चीजों के ऊपर, किन कारकों के ऊपर ये निर्भर करती है। जैसे राहुल जी ने इसका ऑप्शन सी बताया है, ठीक है, बाकी कुछ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर की तरफ भी जा रहे हैं। तो शिवांगी पांडे जी, देखिए यहां पर अब फिर से आप लोगों को थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाब पर। तो दाब पर, अब ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, मैं हर बार इसके बारे में बताते रहता हूं, आप लोगों का पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, या फिर आप क्या सोच के क्वेश्चन को टिक कर देते हो। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए। लास्ट के अगर आप लोगों ने वीडियो देखे, मैंने काफी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर नाम वाइज भी जानता हूं कि वो बच्चों ने लास्ट टाइम भी मेरे मेरी क्लास अटेंड करी थी, अभी भी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो और इसी टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं वो। तो उस टाइम पर क्या लगता है कि आपने फिर पिछले की सिर्फ और सिर्फ वहां सही दे दिया, यहां गलत दे रहे हैं क्यों, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ध्वनि के वेग की बात करते हैं, तो ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर करता है और घनत्व के साथ साथ प्रत्यास्था पर निर्भर करता है, यानी इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है। ये मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं, जैसे ही ध्वनि का वेग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बस ये देखना है कि घनत्व और प्रत्यास्था। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे हमको मालूम है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब वेग तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। माध्यम पर भी बिल्कुल डिपेंड करेगा, भाई सॉलिड में लाइट सॉलिड में ध्वनि जा रही है या लिक्विड में जा रही है उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। आर्द्रता के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कैसे, ये पानी के मॉलिक्यूल है और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर सॉरी एयर के मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम बोल सकते हैं हमारे आसपास की एयर की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब है दाब पर। अगर आप दाब बढ़ा देते हो, दाब को बढ़ा देने पर या दाब को कम करने पर ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। जैसे दीपक कुमार जी, सर नहीं समझे प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए दीपक कुमार जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, जिसे प्रत्यास्था ज्यादा नहीं भी समझ में आए तो आपको घनत्व याद रखना है। तो टेम्परेचर पे तो डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है इसका मतलब वेग भी डिपेंड करेगा। माध्यम तो पूरा का पूरा डेंसिटी से ही रिलेटेड होता है कि सॉलिड ले रहे हो या आप लिक्विड ले रहे हो, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा तो वहां पर स्पीड भी ज्यादा। फिर आर्द्रता, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे सूखी हवा की बात कर रहे हैं, तो सूखी हवा में पानी की मात्रा नहीं है अब, लेकिन पानी की मात्रा आ गई तो हवा के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स भी तो आ गए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से ध्वनि की रफ्तार, तो दाब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों को निम्न में से कौन सुन सकता है, कुत्ते द्वारा सुना जा सकता है, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, या किसी के द्वारा नहीं। तो जल्दी से इसका ऑप्शन ए बताया है, ठीक है, जल्दी से अपना जवाब देते जाइए, ठीक है, तो जल्दी से अपने जवाब देते जाइए कि किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे।
ठीक है, जैसे मेडी जी ने इसका ऑप्शन डॉग बताया है, तो ठीक है बच्चों, अब इसमें बहुत ज्यादा हम समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, कुत्तों के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा? इसका सही आंसर है कुत्तों के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की तारत्व अधिक होती है? पुरुषों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ठीक है, पुरुषों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, शेर का दहाड़ना, मच्छर की भिनभिनाहट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो धीरज जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, यानी मच्छरों की भिनभिनाहट बोल रहे हैं। मनोज कुमार जी ने इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं। ठीक है, तो अंजलि जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है कि सी, मच्छरों की भिनभिनाहट। तो बच्चों इसका सही जवाब, पंकज रघुवंशी जी आपको बहुत बहुत बधाई, सचिन वर्मा जी आपको भी बधाई, क्योंकि आपने सही आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर है मच्छरों की भिनभिनाहट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पतली आवाज कहां से आ रही है। तो पतली आवाज इन सब में मच्छरों की भिनभिनाहट से काफी पतली सी आवाज आती है, तो उनका तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती? लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, या त्वचा को? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? ये है क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। किरण राजपूत जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, कृष्णा सुरेश जी इसका ऑप्शन सी दे रहे हैं, यानी मांस बोल रहे हैं। ठीक है, पंकज जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, महिपाल जी ने इसका ऑप्शन, अच्छा वो तो यस सर बोल रहे हैं। ठीक है, ललित मिश्रा जी ने इसका ऑप्शन ए दिया है, लकड़ी में से। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन बी, मानव अस्थियों में से। यार ये थोड़ा सा याद रखिए, जब भी तो हम टूटी हुई हड्डियों को पता लगाते हैं। देखिए थोड़ा सा समझना आप लोग इस पूरे फिनोमिना को, क्या होता है कि किस तरीके से टूटी हुई हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाया जाता है। जैसे ये किसी के एक हाथ की हड्डी है और बीच में यहां से उसके हल्का सा क्रेक आ गया। अब यहां पर ऊपर इसका मांस लगा हुआ है, अब यहां से हम कौन सी किरणें गिराते हैं? एक्स किरणें गिराते हैं। अब जैसे एक्स किरणें गिराते हैं तो मांस में तो जा सकती है, लेकिन हड्डियों को पार नहीं करती, हड्डियां उनको अवशोषित कर लेती है, उनकी एनर्जी को अवशोषित कर लेती है। लेकिन जहां पर टूटी है वहां से वो किरणें आगे चले जाती है, और यहां पर हम लगा देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक धब्बा सा बन जाता है। मेरा हाथ यहां पर होकर धब्बा यहां बना, तो डॉक्टर उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां पर हड्डी टूटी हुई होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह एसी, सॉरी, यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यानी यह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है, या एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्राची जी ने इसका, प्राची गौर जी ने 28 का ए बता रही हैं। प्राची जी, मेडी पांडे जी, ओके सर बिल्कुल ओके। ललित मिश्रा जी ने इसका ऑप्शन सी बताया है, रवि तेजा, रवि तेजा जी, वीरा रोमियो जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है 28 का। ठीक है, तो रजनी लोधी जी ने इसका ऑप्शन सी की तरफ जा रही हैं। सत्येंद्र यादव जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। हार्दिक जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी सही जवाब है। थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, एक और खास बात क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर ही काम करता है। तो ये याद रखना, सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा को ही काम कर सकता है एसी करंट। तो ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी करंट के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए ही काम करता है। और ये एसी करंट की जरूरत पड़ने पर धारा को बढ़ा भी देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, या वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो इसी जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो हम उसको उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जब वोल्टेज को कम करता है तो अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो मेरा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि साइंस मतलब विद्युत धारा का मेरा आप लोग यूट्यूब पे वीडियो आप लोग वहां पर देख सकते हो, एग्जाम गुरु जी की ऐप पर जाकर भी आप ये वीडियोस देख सकते हो, जहां पर मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करके बताया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को यानी एसी धारा को डीसी धारा में कौन कन्वर्ट करता है? प्रत्यावर्ती
ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा या दिष्टकारी द्वारा? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए, तो आचल पार्थी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है, डायनेमो द्वारा। मेडी जी इसका डी बता रहे हैं। अंजलि लोधी जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। हार्दिक यादव जी इसका ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है, अनिल मीना जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। रोहित यादव जी ने, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिष्टकारी। देखिए बड़ा अच्छे से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, तो दिष्ट धारा के लिए दिष्टकारी। अरे नाम से ही लॉजिक तो लगाओ, नाम से ही तो समझ में आ रहा है, दिष्ट के लिए दिष्टकारी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, तो दिष्टकारी। ठीक है, अच्छा ये भी चीज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हमारे मोबाइल के चार्जर में एक दिष्टकारी ही लगा होता है, जो क्या करता है, हमारे घर में आने वाले एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल की बैटरी तक भेजता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हल्का फुल्का, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का, लेकिन फिजिक्स में हम इसको बोलेंगे क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सही इसका जवाब दीजिए जल्दी से। फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो उम्मीद है काफी बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, महिपाल जी, डायनेमो का यूज, देखिए डायनेमो का रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन है, मैं वहां पर आप लोगों को, महिपाल राजपूत जी, आपको वहां पर मैं इसका डायनेमो का यूज बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे बच्चे इसका डी ऑप्शन दे रहे हैं, तो बच्चों इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज किया जाता है। इसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, तो सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, कि वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को हम एक्चुअली किससे प्रकट कर सकते हैं, वोल्ट में, वाट को वोल्ट में बदल सकते हैं, कैलोरी में बदल सकते हैं, जूल प्रति सेकंड में बदल सकते हैं, या किलोग्राम मीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए। ठीक है, तो इसके सही जवाब हार्दिक यादव जी ने इसका ऑप्शन डी दिया है, किलोग्राम मीटर बता रहे हैं क्या, या फिर ये पुराने का ही दे रहे हैं। ठीक है, तो वाट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे प्रीति जी ने इसका ऑप्शन ए दिया है, 31 का ऑप्शन सी दे रहे हैं। ठीक है, रोमियो जी ने सी दिया है, यानी जूल प्रति सेकेंड में, तो नहीं बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वोल्ट में हम वाट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाट को वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखने वाली अच्छी सी बात है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारे पास, कि 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता उनकी समान दे दी जाए। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, तो पंकज जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, प्राची गौर जी इसका 31 का ए बता रही थी। अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन ही चल रहा है क्या, मैं 32 की बात कर रहा हूं। देखिए अगर आप लोगों को इसके बीच में कुछ कंफ्यूजन है तो आप पुराने वीडियो देखिए, और फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों के सामने इसके लिए एक डाउट सेशन की हमारी क्लास जो होगी वहां पर आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप हमारे वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके आप अपने क्यूरीज दे सकते हैं, मैं उन लोगों को इंडिविजुअली आप लोगों की क्यूरीज वहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर बाद में कभी भी हमारा जो वीडियो से रिलेटेड बाद में एक हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसमें आप लोगों के डाउट सेशन वाली क्लासेस रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए जैसे 32 का सी बता रहे हैं, ठीक है, सी मतलब 1/25 बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सही जवाब है 5:1। अब देखिए बच्चों फिर से हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, इसको अगर मैं डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में थोड़ा सा हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन, मैंने हमारे वीडियो में काफ़ी तरीके के इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ी समय की भी व्यवधान रहता है, समय हमें लिमिटेशन समय मिल रहा है, उसमें भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलिए, गैल्वेनाइज्ड लोहे बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शालिनी गौर जी, हाँ बिल्कुल समय का ही तो ध्यान दे रहे हैं। देखिए प्राची जी ने जिंक बताया, काफी बच्चे जैसे वीरा रोमियो जी जिंक बता रहे हैं, अंजलि लोधी जी ने 33 का ए बताया, बिल्कुल सही जवाब है इसका जिंक का।
तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे अगर पहले खराब होगा तो जिंक खराब होगा, उसके बाद में लोहा खराब होगा, तो लोहे को बचाने की एक टेक्निक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि एक फ्यूज, फ्यूज लिखा है वो फ्यूज है, एक फ्यूज तार का उपयोग, फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ तोड़ देने के लिए, या किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल जिंक जी, अब नए क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं 34 का, आप आंसर बताइए। ठीक है, तो 34 का जैसे वीरा रोमियो जी ने इसका ऑप्शन बी बताया, अनिल मीरा जी ने इसका ऑप्शन सी बताया है, राजकुमार साहू जी ने इसका ऑप्शन ए बताया है, पवन तिवारी जी इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा के समय। जब हमारे घर में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घर में वोल्टेज आता है तो वोल्टेज ज्यादा आ जाने की वजह से, करंट ज्यादा आ जाने की वजह से तार पिघल के टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज उड़ना। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज वाली करंट को हमारे घर में जाने से रोकता है, जिससे हमारे घर के उपकरण होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम सर्वोत्तम द्रव्य है, या पदार्थ भी लिखा हो सकता है, द्रव्य भी लिखा हो सकता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील से हम ट्रांसफार्मर का क्रोड बना सकते हैं, मृदु इस्पात से बना सकते हैं, कठोर स्टील से बना सकते हैं, या नर्म लोहे से बना सकते हैं। तो इसका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, आप इसके ऊपर डबल टिबर 5-6 बार स्टार लगा लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो। ठीक है, या आप पीडीएफ जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको बिल्कुल, जैसे वीरा रोमियो जी ने इसका बताया सॉफ्ट आयरन, बिल्कुल बच्चों इसका सही जवाब भी है सॉफ्ट आयरन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, ये सीधे सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है। तो फिर से थोड़ा सा, फिर से हम लोगों को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समय की तंगी है, तो इसलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद रखने का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, हाँ शिवांगी पांडे जी इसका सही जवाब ए ही है। ठीक है, उषा वर्मा जी ए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी बच्चे ए जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम किसके द्वारा परिवर्तित करेंगे, विद्युत मोटर के द्वारा, विद्युत स्त्री के द्वारा, सीचा संचालन के द्वारा, या विद्युत जनित्र के द्वारा। तो याद रखना यांत्रिक धारा को हम विद्युत धारा में बदलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। जैसे यशोदा जी 35 का, जैसे रवि पालकर जी कुमार डी जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो 37 का मैं बताना पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, जैसे कपिल जी ने इसका ऑप्शन ए बताया, विद्युत मोटर। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात कर रहे हैं यार, समझिए इस चीज को। यांत्रिक ऊर्जा मतलब पहले हम उसको ऊर्जा देंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, तो मोटर के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिर से क्यों गलत आप जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत जनित्र के द्वारा। अरे ये चीज समझिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाली ऊर्जा। तो देखिए अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम जनरेटर यानी जनित्र कहेंगे, और इसे ही डायनेमो कहते हैं। ठीक है, तो अभी डायनोमो से रिलेटेड अभी हाल बात हुई थी। तो जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा तो उसे डायनोमो कहेंगे, लेकिन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो जो हमारे घर के फैन है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो उसको हम मोटर कहेंगे। तो हमारे घर के पंखे को हम मोटर वर्ड यूज करते हैं, पानी की मोटर वर्ड यूज करते हैं, वहां जनरेटर नहीं यूज करते। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया विद्युत रोधी कौन है, लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। ठीक है, ये तो सीधा 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 जिसको पता होगा वो सही जवाब दे देगा। ठीक है, तो फिर से इसमें मैं ही इसको आपको जल्दी से थोड़ा सा सही जवाब दे देता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांच। ठीक है, तो कांच इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 38 का जैसे ए बता रहे थे, देखिए वहां पर अगर बोलेंगे सर आपने पिछली बार जब क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन दिया था तो वहां तो आप लकड़ी बता रहे थे, लेकिन वहां कांच ऑप्शन में नहीं था, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहां कांच है, तो सबसे अच्छा तरीके से होता है जो कांच होता है विद्युत का कुचालक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए तो कांच इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण संरक्षण का नतीजा है, ऊर्जा का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, या चार्ज का।
ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि लेंज का नियम किसके ऊपर आधारित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है, ऊर्जा का संरक्षण होता है वहां पर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और वोल्ट का नाम सुनते हैं तो वो विभवांतर या आवेश के ऊपर टिक लगाते आते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये ठीक है बिल्कुल, ये ऊर्जा का मात्रक है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि अर्धचालक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान घटते जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिरोध का मान डिक्रीज होगा लेकिन चालक में उल्टा होगा। किसी चालक को अगर हम गर्म करेंगे, किसी मेटल को हम गर्म करेंगे, तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। ठीक है, थोड़ी सी समय की हमारे सामने समस्या है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली जा रहा हूँ। शुष्क शेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो शुष्क शेल उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स एनर्जी हम रिलीज करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग कहां पर किया जाता है। नाइक्रोम का जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है, तो उसके अंदर विद्युत लैंप में उसका यूज किया जाता है, ऊष्मक की कुंडलियों में उसका यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में या बैटरियों के संयोजन में। तो बच्चों इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्मक में, यानी जब पानी गर्म करने के हीटर की अगर हम बात कर लेते हैं, या खाना पकाने बिजली से खाना पकाने वाले जो हीटर की कॉइलिंग वाले हीटर के यूज, तो वहां नाइक्रोम का तार यूज होता है। जबकि बल्ब के अंदर जो तार का उपयोग होता है, तो बल्ब के अंदर टंगस्टन के तार का उपयोग होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, टंगस्टन का शॉर्ट फॉर्म में हम इसे W लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किसको विक्षेपित कर सकता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण दोनों, ना तो अल्फा को ना ही बीटा को। तो बच्चों इसका सही जवाब मैं जल्दी से दे देता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फा और बीटा कण दोनों को ही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है विक्षेपित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत अपघटन के लिए किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये तो भाई 10th क्लास का फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना ही होगा, नाम से ही रहता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो टेलीफोन लाइन में किस तरीके की ऊर्जा प्रवाहित होती है। विद्युत ऊर्जा, सॉरी, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो तरंग ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो बच्चों टेलीफोन लाइन में भी करंट का ही यूज होता है, हम विद्युत ऊर्जा ही, भले उसमें बहुत कम तीव्रता का करंट होता है, आपको करंट का झटका नहीं लगता है, लेकिन किस तरंग का उपयोग किया, किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का ही उसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, यह थोड़ा सा याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा कम होता है। ठीक है, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसमें से जो हम शंट जोड़ते हैं, उस शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा हमेशा थोड़ा सा कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कि शुष्क शेल की क्षमता कितनी होती है। शुष्क शेल मतलब हमारे जो घड़ी में लगाने वाले जो सेल होते हैं, रिमोट में लगाने वाले जो सेल होते हैं, उसकी क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। तो इसका सही जवाब है 1.5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रक है भैया चार्ज को हम किसमें नापते हैं। ठीक है, तो हर बार इसका तो सही जवाब, मुझे उम्मीद है काफी लोगों को पता होगा, तो इसका सही जवाब है वो है कुलाम। तो इसका सही जवाब है कुलाम, यानी विद्युत आवेश को हम कुलाम से नापते हैं। 2 कुलाम आवेश है, 4 कुलाम आवेश है या 10 कुलाम आवेश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है, यानी हमारे घरों में जो करंट आता है वो कितनी फ्रिक्वेंसी का आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, मैं आप सभी को इस लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा सही से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना हमको पता है या नहीं पता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहा हूं मैं। तो अनिल इंजीनियर, ठीक है, अनिल इंजीनियर जी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, 60 हर्ट्ज बता रहे हैं। गौतम कुमार जी ने इसका ऑप्शन बी बताया है। ठीक है, रंजनी लोधी जी ने इसका ऑप्शन, प्रदीप जी ने इसका 120 बता रही हैं, बिल्कुल। देखिए फिर से, हाँ, जैसे पंकज जी ने थोड़ा सा कहीं करीब सही बताया। तो बच्चों ये सीधा सीधा सा याद रखिएगा कि हमारे जो घर में करंट आता है वो 220 वोल्ट का आता है, और साथ ही साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज पे आता है।
ये बिल्कुल याद रखिएगा, यानी हमारे घर में आने वाले तरंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और वोल्टेज कितना होता है, तो ये होता है कितना, 220। तो ये भारत सरकार ने डिसाइड करा है कि हर घर में इतना वोल्टेज, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज तक का हमको करंट पहुंचाना है। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। कुछ बच्चों की यहां पर कंफ्यूजन था कि इसका सही मतलब हमको ये मतलब हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका निदान आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम गुरु जी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोगों के लिए लगातार हम लोग आप लोगों के लिए फ्री में ही टेस्ट अप्लाई करा रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं। आप साइंस के उन क्वेश्चंस को दीजिए, आप चाहते हैं कि आप में से जो भी टॉप 5 स्टूडेंट है उन टॉप 5 स्टूडेंट्स का नाम हम अगली क्लास में सभी लोगों के सामने दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।